हाय गाइस, टुडेज वीडियो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल दी 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, जितने लोग लॉ का एग्ज़ाम 2025 में लिखने वाले हैं। सो फॉर ऑल द 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपके पास डिसेंट लेवल का टाइम बचा हुआ है प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो वॉच इट वेरी केयरफुली एंड शेयर दिस टू ऑल योर फ्रेंड, जितने लोग टॉप लॉ कॉलेज में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं और एंट्रेंस कैसे क्रैक करना है वो मैं गाइड करूँगा। ऑल राइट गाइस, सो बिफोर वी प्रोसीड, मैन्युअर लॉ एंट्रेंस इज अ सेपरेट चैनल जहाँ पे आपको लॉ स्पेसिफिक वीडियोज मिलेंगे। सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को जाकर के अगर आप मैन्युअर लॉ एंट्रेंस चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो। बट इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन मैन्युअर एजुकेशन चैनल, सो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैन्युअर लॉ एंट्रेंस का, काइंडली गो एंड सब्सक्राइब। काफी अपडेट, नोटिफिकेशन, लाइव स्ट्रीमिंग एंड लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन विल बी गेटिंग ऑन मैन्युअर लॉ एंट्रेंस चैनल। नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक, लॉ एंट्रेंस 5 ईयर्स प्रिपरेशन फॉर द ईयर 2025, ठीक है। सो आपका जो एग्ज़ाम लिखने वाले हो आप 2025 में लिखने वाले हो, आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, कैसे पढ़ोगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, वन बाय वन सब कुछ समझते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो एक बार रिवाइंड करके वापस देख लेना, ओके। सो अभी जो चल रहा है जून चल रहा है, ये जून में मैं वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो थोड़ा लेट देखने वाले हो सो उसके हिसाब से आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज कर लेना, ठीक है। तो 2023 चल रहा है अभी, जितने लोग 11th स्टैंडर्ड में हो अभी, ठीक है ना, आप एग्ज़ाम लिखोगे कभी 2025 में, मतलब जितने लोग क्लैट टारगेट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे दिसंबर में 2024 में एग्ज़ाम लिखोगे फॉर द ईयर 2025। क्लैट का एग्ज़ाम दिसंबर में होता है, क्लैट एंड एलेट का, जिसका एडमिशन प्रोसेस 2025 तक चलता है, मतलब जो एडमिशन प्रोसेस 2025 का उसका एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा 2024 में। तो अपने पास ये टाइमलाइन बचा हुआ है। एजेंडा क्या है अपना, इंडिया के टॉप 20 कॉलेजेस में एडमिशन लेना, कोई भी मिल जाए मुझे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाए मुझे, चाहे वो बैंगलोर हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, भोपाल हो, जोधपुर हो, मुंबई हो, जो भी कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो। नाउ यू आर द बेटर पर्सन टू डिसाइड मुझे किस कॉलेज में जाना है, सीटी के थ्रू, जीएलसी, आईएलएस, ठीक है, और आपको स्लैट लिखना है, सिम्बायोसिस, गो फॉर इट, एलेट के थ्रू, दिल्ली एनएलयूस। सो ये सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में जहाँ पे आपको डिसेंट लेवल का प्लेसमेंट एंड जो कॉलेज भी है वो वेल रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं, ठीक है। जून चल रहा है, जितने लोग महाराष्ट्र वाले हो, सीटी वाले हो, अगर आप क्लैट टारगेट कर रहे हो या दूसरे एग्ज़ाम्स, तो वो मैं एडवाइस करूँगा कि एक से दो एग्ज़ाम मिनिमम तो लिखो ही। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट राइट ओनली वन एग्ज़ाम, बिकॉज होगा क्या कि देर इज़ नो गारंटी एज सच कि आपका एंट्रेंस बहुत अच्छे से निकलेगा, अच्छा स्कोर आएगा ही आएगा। सो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सजेस्ट राइट एटलीस्ट 2 to 3 एग्ज़ाम। सो आज ही मेरा बोरीवली में, बोरीवली सेंटर विच इज़ इन मुंबई, सो वहाँ पर मेरा काउंसलिंग था एंड वहाँ पर बच्चा आया था क्लैट के लिए, तो उसको मैंने गाइड किया क्लैट एंड शी सेड कि हाँ सर मुझे सीटी भी लिखना है, तो हाँ दो एग्ज़ाम्स बैकअप के लिए सही है, ठीक। सो लेट्स टॉक अबाउट कितना टाइम बचा हुआ है अपने पास पढ़ाई करने के लिए। 2023 पूरा पढ़ा हुआ है, बट हम करेंगे क्या 2023 में पता है, हम रिलैक्स करेंगे भाई, अभी तो 10th बोर्ड लिख के आया हूँ, 10th में मैंने फोड़ा है, तो अभी तो रिलैक्स करना बनता है, राइट भाई, अभी रिलैक्स करना नहीं बनता है, इट इज़ अ राइट टाइम टू प्लान योर करियर, नो प्लानिंग। ये टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग करियर प्लान नहीं करते हैं, सो यू शुड प्लान योर करियर, ठीक है। टाइम पास अभी करने का फुल वर्ड, यार कितनी मेहनत की है, बोर्ड एग्ज़ाम लिखा है, टाइम पास तो बनता है भाई। आगे है ना 12th में, अगर लॉ एंट्रेंस के लिए भी सोच रहे हो तो 12th बोर्ड दोनों का प्रेशर आने वाला है, तो यहाँ पे रिलैक्स नहीं करना है, यहाँ पे प्री वर्क करना है अपने को। प्री वर्क क्या करना है वो तो मैं आगे बताता हूँ, बट ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हो, मेरा ये वीडियो देख रहे हो, या आपका कोई दोस्त लॉ एंट्रेंस के लिए प्लान कर रहा है और वो इस मिसकंसेप्शन में कि आराम से करूँगा बाद में करूँगा, उसको ये वीडियो शेयर कर देना। एंड ऑल्सो इफ़ यू आर पेरेंट वॉचिंग माई दिस वीडियो, आपके बच्चे को 11th से ही पढ़ाई चालू करवा देना, अगर आपके बच्चे को टॉप 20 कॉलेज में एडमिशन लेना है तो, या तो टॉप कॉलेज में, तो टॉप 20 एटलीस्ट, ठीक है। होता क्या है कि लोग एंट्रेंस लिख देते हैं, उसके बाद स्कोर बहुत कम आता है एंड दे कॉम्प्रोमाइज़ विद द कॉलेजेस। यार अगर आप लॉ कॉलेज ऑप्ट कर रहे हो, कॉलेज का इंफ्रा, फैकल्टी, प्लेसमेंट, करियर स्कोप, एल्यूमिनाई ये सब देखोगे और ये इसके नीचे वाले कॉलेजेस में जाओगे, चलो एटलीस्ट टॉप 30 तक ठीक ठाक कॉलेज मिल गया आपको, टॉप 40, टॉप 50 तक ओके तक मिल गए, बट उसके नीचे तो नहीं जा सकते ना। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कॉम्पिटिशन ज़्यादा है हर एंट्रेंस में, चाहे आप महाराष्ट्र का लॉ सिटी 5 ईयर्स लिखो, चाहे आप क्लैट का एग्ज़ाम लिखो, चाहे एलेट या स्लैट लिख लो, कॉम्पिटिशन हर जगह पर है।
और उसी कंपटीशन में फाइट करके अपने को अपनी एक सीट सिक्योर करनी है, ये क्लियर है अपना, यही करना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम पास नहीं करना है, अपने पास 6 मंथ का टाइम बचा हुआ है। 6 मंथ में हम करेंगे क्या, 6 मंथ में आपका मेन्यूअर के सारे सेंटर्स पर बैच लॉन्च है, ऑनलाइन भी बैच लॉन्च है। आई वॉन्ट आपका सिलेबस मेजर चंक्स कवर हो जाए, मतलब ये 24 वाले जो पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप एक बार तो पूरा सिलेबस ख़त्म कर दो। आई वॉन्ट एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म, अपने को ओवरऑल पूरा सिलेबस कम से कम 2 बार मैक्सिमम 3 बार तो करना ही करना है एनी हाउ, ठीक है। तो यहाँ पे हम मेजर काम क्या कर सकते हैं, इंग्लिश पे काम कर सकते हैं, हम जीके पे स्टैटिक जीके पे काम कर सकते हैं, हम अपने वोकैब पे काम कर सकते हैं, बेसिक ऑफ मैथ्स पे काम कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। बाकी जैसे जैसे आपके लेक्चर्स हो रहे हैं, टॉपिक हो रहे हैं, वो आपको प्रिपेयर करते जाना, उसके प्रैक्टिस करते रहनी है। मतलब यहाँ पे आप रिलैक्स तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, और आप जितनी भी गलती यहाँ करोगे करो, बिंदास करो, उसको इम्प्रोवाइज करनी है, क्योंकि टाइम है हमारे पास। यू नीड टू अंडरस्टैंड, गलती आप कर रहे हो, अपने पास टाइम है, इम्प्रूव किया, बाउंस बैक किया, अच्छे से उस टॉपिक को कर लिया। लास्ट में प्रिपेयर करने का नुकसान यही है कि गलतियाँ होती है, उसको सुधारने का टाइम नहीं होता, दैट इज़ अ प्रॉब्लम। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे मतलब अराउंड मार्च अप्रैल आप चालू हो जाओगे, भाई अब 12th बोर्ड की प्रिपरेशन चालू कर देनी है, कुछ लोग पहले से ही चालू कर देते हैं, है ना। यहाँ पे प्रेशर होगा, बोर्ड का भी प्रेशर होगा और फ्रस्ट्रेशन भी आएगा कि साला दोनों एग्ज़ाम कैसे मैनेज करूँ मैं, मतलब एंट्रेंस लॉ का देखो या 12th बोर्ड देखो, और पापा भी बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही है, और फलाने का बंदा भी बोल रहा है कि यार तुझे तो 12th में अच्छा फोड़ना है ना, शर्मा जी के लड़के को देखो अगले साल इतना लाया था, तुझे तो इतना लाना ही पड़ेगा, ये सारे प्रेशर सोसाइटी के आने वाले हैं, ठीक है। तो उस चक्कर में फ्रस्ट्रेट नहीं होना अपने को, अपन ने पहले ही अपना जुगाड़ कर लिया था, हमें पता था ये सब चीज़ें होने वाली है, इसलिए हमने पहले ही काम कर लिया है। आर यू गेटिंग व्हाई आई एम सेइंग कि अभी से चालू कर देना है, और मैक्सिमम स्टूडेंट स्टार्ट दिस, जो स्मार्ट है बच्चा वो चालू करेगा, उसको पता है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे ये ना करके आपको आपको रेडी होना है फॉर द बैटल। तो यहाँ तक आपका टिल दिसंबर 2 बार पूरा सिलेबस पढ़ा के मेन्यूवर में अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, सो विल बी कंप्लीटिंग एंटायर दोस सिलेबस, ठीक है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि वेदर यू आर सेल्फ प्रिपेयरिंग या कोचिंग से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको पूरा सिलेबस 2 बार यहाँ तक ख़त्म कर लेना है पढ़ के। मतलब यहाँ पे आप लाइट प्रिपरेशन करोगे ना, क्योंकि गलती करके के जो जो इम्प्रोवाइज़ करना था वो यहाँ कर ली, यहाँ पे एक सॉफ्ट तरीके से स्मूथ तरीके से पढ़ाई की हमने दिसंबर तक, मॉक वगैरह जो भी लिखना था। देखो दिसंबर में तो अपना एग्ज़ाम ही है क्लैट का, तो आपको ये प्लान लेना पड़ेगा अक्टूबर तक नवंबर तक अपने को मॉक वगैरह लिख कर ख़त्म करना होगा क्लैट, अगर आपको बिकॉज क्लैट का एग्ज़ाम यहाँ पे आने वाला है, तो क्लैट का एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है, 6 महीना इधर और यहाँ पे आपका 11 महीना पकड़ लो, दिसंबर में तो एग्ज़ाम ही होता है, 17 मंथ का टाइम है, और यहाँ पे तो बोर्ड का अलग ही प्रेशर होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है, मिला जुला के 1 साल चालू कर दो, ठीक है पढ़ाई। यहाँ पे जनवरी से लेके मई, यहाँ पे अप्रैल में आएगा आपका सीईटी, मई में आएगा आपका स्लैट, और कोई अदर लॉ एंट्रेंस लिख रहे हो तो। तो यहाँ पे एक तो होने वाला है आपका 12th बोर्ड कभी फैब से मार्च के बीच में, तो आप बिजी होने वाले हो 12th बोर्ड की प्रिपरेशन, मतलब जैन से ही प्रेशर चालू हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों एग्ज़ाम आएंगे आपके बैक टू बैक, जैसे बोर्ड ख़त्म होगा एंट्रेंस पे शिफ्ट होना पड़ेगा। अब जैसे ही मार्च में बोर्ड ख़त्म होगा, अप्रैल में आपका सीईटी है, तो आप क्या पढ़ते बैठोगे, ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है ना, क्विक रिविज़न लेंगे फटाफट, दैट्स ऑल, है ना, क्लियर। डबल टेंशन, मार्क स्कोर परसेंटेज ये सब टेंशन इधर आने वाले हैं, ये ना आए आपको, इसके लिए हमने यहाँ मेहनत पहले से कर ली है, ये आपको कोई बताएगा नहीं, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि भाई इट इज़ अबाउट योर करियर, सो यू हैव टू बी सीरियस अबाउट योर करियर, ठीक है। सो टॉप मारने के बारे में सोचो, या तो मैं अच्छा कॉलेज में एडमिशन लूँगा, ये आपका गोल होना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइज इन दिस वीडियो फॉर टारगेटिंग फॉर टॉप लॉ कॉलेजेस इन इंडिया। क्लैट लिखो, एलेट लिखो एनएलयूज के लिए, बाकी क्लैट का इसको प्राइवेट कॉलेजेस लाइक निर्मा भी लेता है, NMIMS भी लेता है, सो वो चेक कर लो। और अगर महाराष्ट्र में चाहिए तो महाराष्ट्र सीटी 5 ईयर्स लिखो, उसमें तो टॉप मारना है तो फिर 130 के ऊपर का ही टारगेट लो, चाहे आप आउटसाइड महाराष्ट्र वाले हो या महाराष्ट्र स्टूडेंट हो, ठीक है। उसके बाद स्लैट है सिम्बायोसिस के लिए, और भी अगर कोई लॉ एंट्रेंस आप लिख रहे हो, सो वेल एंड गुड। प्रिपरेशन को लेकर अगर आप मुंबई में हो, दादर बोरीवली वसई एंड थाने, सेंट्रल लाइन में हो तो थाने एंड दादर यू कैन जॉइन द बैचेस, वी हैव लॉन्च बैचेस एट सेंटर। और अगर आप वेस्टर्न लाइन में हो तो वसई बोरीवली एंड दादर यू कैन विजिट, बट अगर आप मुंबई बेस्ड नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पे कॉल कर लो 8828581455। और भी कोई डाउट एंड क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स।
आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई यू। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, मैनुअल लॉ एंट्रेंस से चैनल मत भूलना, इसको जाके सब्सक्राइब कर लो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।